ऐसा भैया, ये पहले हमारे जो चुनाव होने थे, पहले ऑनलाइन चुनाव थे, जिसको हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश से रद्द कर दिया गया। अब ये दोबारा से नई हमारा जो कार्यक्रम जारी हुआ, जिसके तहत 26 तारीख को हमारे कल नॉमिनेशन था, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक सॉरी 4 से 5 फिर स्क्रूटनिंग थी हमारी कल, और आज जो है 10 बजे से 1 बजे तक विड्रॉल था। जो कैंडिडेट अपना चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो अपना विड्रॉल कर सकते थे। तो 2 बजे तक हमारी वो प्रक्रिया पूरी हो गई है विड्रॉल की, और उसके बाद मैं अपने ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है ग्रुप की तरफ से, तो जिसमें हमारा 6 तारीख को जो है फिजिकली चुनाव होगा। तो क्या क्या रणनीति रहेगी इस बार चुनाव की? आप पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो क्या कैसा अनुभव रहा और इसके लिए क्या क्या तैयारी रही है? मैं पहले भी बार में डिस्ट्रिक्ट बार में अपना वाइस प्रेसिडेंट रहा 2007-8-9 तक, 2 साल। उस दौरान भी बहुत बढ़िया अनुभव रहा, भाइयों को बहुत प्यार मिला, वकीलों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चला, उनकी समस्याओं के लिए, बार और बेंच के संबंध के लिए, प्रशासन से हमारा जो संबंध रहा उसके लिए, अपने हक के लिए लड़े। हमारे ही उस समय में, उस टाइम ये चैम्बर जो हमारी बिल्डिंग जिसमें हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, हमारे ही समय में ये मंजूर हुआ। हम ही लोग इसका नक्शा पास करा के लाए थे हाईकोर्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी से, और हमारे ही दौरान में इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, इसका जो शुरू हुआ था काम जो है बिल्डिंग बनने का, टेंडर भी हमारे द्वारा ही छोड़ा गया था उस टाइम इसका। तो आने वाली योजना के लिए क्या तैयारी, क्या आपके पास स्कीम है साथी के लिए? वो जो पहले जो चैम्बर हमारे अलॉट हुए थे 2010-11 के अलॉट हुए थे, वो 10 साल में आज हमारे वकीलों की संख्या दुगनी हो गई लगभग। तो हमारे जो नए साथी आए हैं उनको सभी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नीचे भी जगह की कमी है, आजकल सीटिंग नहीं है, बैठने की प्रॉपर सुविधा नहीं है। तो एक तो हमारा ये है कि जो बगल में हमारी ये जगह पड़ी हुई है पार्किंग की, उसमें भी चाहते हैं कि इसमें हमारे नए वकीलों के लिए एक नई चैम्बर बिल्डिंग हमारी जो है मंजूर हो, सरकार करे और हाईकोर्ट की जो कमेटी इसको करे। तो इसके लिए हमें एक संघर्ष करना और इसको पास कराना है नए वकीलों के लिए, चैम्बर के लिए। दूसरा हमारा जो मेन है बार और बेंच का, जो हमारा पिछले 3-4 साल से हमने देखा है बार और बेंच का हमारा संबंध बहुत ही अच्छा नहीं रहा, इस बार अनुभव जो 2-3 साल से रहा, इसको हमें बढ़िया बनाना, बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध हो, और साथ साथ प्रशासन का भी हमें सहयोग मिले। जो हम अपनी जेब से ये अपने चैम्बर बिल्डिंग का सारा खर्च उठा रहे हैं, ये हमारा सरकार वहन करे। जब सरकार और जगह सुविधा देती है सब जगह, तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि जो भी ये साफ सफाई का काम है सरकार के द्वारा के किया जाए, और बिल्डिंग में हम ये चाह रहे हैं कि वाईफाई की एक सुविधा वकीलों को मिले, क्योंकि आज सारा जो है ना सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, वकीलों के काम भी आज जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसमें नेट की आपको पता ही जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि इसकी वाईफाई की भी सुविधा इसमें चाहिए। तो आपको पता है बार और बेंच के जो संबंध है, इससे क्या मतलब है? बार और बेंच में किस तरह के संबंध होते हैं? संबंध अच्छे संबंध का, इससे क्या मतलब है? कोई भी वकील अपनी जो भी केस में कोर्ट में प्रॉपर पेश होता है, तो उसके साथ एक जो बार का मधुर संबंध ये है कि वकीलों के साथ अच्छा व्यवहार हो, रिलीफ मिलना ना मिलना केस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक कम से कम वकील को आने के सम्मान तो मिले। वहाँ नई वकीलों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे ये पता नहीं कहाँ से आ गए, दूसरे देश से कोई मुंशी है क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि नए वकीलों से बहुत बढ़िया कोऑपरेट करे बार, और बेंच का जो संबंध है अच्छा रहे, और उनको रिलीफ मिले। बेल वगैरह जो पेटी मैटर्स है उनमें भी बेल नहीं मिल रही है, उनमें भी नोटिस कर देते। तो हम ये चाहते हैं कि चेहरे देख के, कई बार होता हमने देखा 3-4 साल से कि जो बस कुछ कुछ चेहरे हैं उनको देख के जो न्याय मिल रहा है, तो उसमें ये जो गैप आ गया उसको अच्छे से हम भरे और संबंध अच्छे बने। आपके कहने का मतलब ये है कि जो नए वकील कोर्ट पेश होते हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले या फिर एक इंक्रीमेंट मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको एक प्रॉपर, हम एक चाहते हैं अपने अगर हमारा चुनाव होता है हम जीतते हैं तो एक ऐसा कार्यक्रम बार में रखे नए वकीलों के लिए, उनको सिखाने के लिए प्रॉपर, हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनका एक ऐसा कैंप लगाएं महीने में 6 महीने एक बार, उनको बताएं किस तरह कोर्ट में पेश होना, किस तरह अपनी बातें रखनी है, किस तरह से प्रॉपर हम अपना कोर्ट में काम कर सकते हैं।